कि हमारे आसपास कौन से वो दुश्मन है, क्या जद है उन दुश्मनों की, कहां पर वो खड़े हुए हैं और कहां से हमको उनको साधना पड़ सकता है। इस हिसाब से भारत ने पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं। भारत की मिसाइल ताकत देखते हैं और फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, क्योंकि भारत ने पहले यह भांप लिया है कि चीन और पाकिस्तान उससे बिल्कुल लगे हुए दो पड़ोसी ऐसे हैं जो कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो धोखे की पराकाष्ठा हो सकती है। और इसीलिए ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का इलाका, यहां से अगर आप इन मिसाइल्स की रेंज को देखेंगे यहां से नापते हुए, तो देखिए ये क्या है, पृथ्वी 3 सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है, 700 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है और करीब करीब 1000 किलोग्राम का वॉरलोड अपने साथ ये ले जा सकती है। कुल लंबाई इसकी 28 फीट। अगली मिसाइल आपको दिखाते हैं। अगली मिसाइल है K-15 750 किलोमीटर, K-15 750 किलोमीटर तक की रेंज में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी कुल लंबाई है 32.8 फीट। अगला दिखाइए, हम टॉप 10 मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, इनमें वो मिसाइलें भी शामिल हैं जो भारत ने अभी तक अपने यहां सर्विस में ले ली हैं और वो भी हैं जो अभी डेवलपमेंट की स्टेज में चल रही हैं। ये अग्नि एक है जो 900 किलोमीटर तक की मार कर सकती है और जाहिर है ये भारत की बड़ी ताकतों में से एक है, 49.2 फीट इसकी ऊंचाई। अगली मिसाइल देखें आप, 10, 9, 8 और अब 7, हम आपको इस तरीके से टॉप 1 की तरफ ले चल रहे हैं। अभी आप 7वीं मिसाइल देख रहे हैं जिसको ताकत के हिसाब से, हालांकि निर्भय अभी तक R&D की स्टेज में है, लेकिन ये 1000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है और ये क्रूज मिसाइल है। आगे कभी आपसे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी चर्चा होगी। अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज की, ये उससे ज्यादा घातक और ये आपको 68 फीट की ये जो मिसाइल है ये 2000 से 3000 किलोमीटर तक, और ये जाहिर है यहां से जब आप नापते हैं तो ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये बता रहे हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए कम रेंज की मिसाइल से लेकर और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक भारत ने तैयार की है। वो मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है, वहां से लेकर कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी तक जो हमारा दुश्मन है उस तक को हम साध सकते हैं। अगली मिसाइल आप देखिए, ये है K-4 3500 किलोमीटर तक, 3500 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, 32.8 फीट इसकी ऊंचाई है। ये इसके बाद आप देखिए अग्नि 4 आप यहां देख रहे हैं, 3000 से 4000 किलोमीटर तक, उससे भी कहीं ज्यादा रेंज की ये मिसाइल है और अपने साथ ये दोनों ही कन्वेंशनल वॉर लोड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉर लोड भी ले जा सकती है। यहां आपको ये रेंज दिखाई दे रही है, यहां अगर आप पहले से शुरू करेंगे नंबर 10 से तो आप इसी तरीके से इन सर्कल्स को देखते जाइए। यहां जम्मू कश्मीर से अगर आप ये दूरियां नापते हैं तो फिर इधर इस्लामाबाद की तरफ भी या इधर बीजिंग की तरफ भी आपको निशाना कहां लेना है उस वक्त उस तरफ के हालात के तहत वो तय कर देगा कि आपको कौन सी मिसाइल को सेलेक्ट करना है। नंबर 3 पर आते हैं हम, नंबर 3 अग्नि 3 3500 से 5000 किलोमीटर तक की मार करने में ये मिसाइल सक्षम है, मतलब खासी रेंज है इसकी। और फिर उसके बाद अगली, अब आखिरी 2 मिसाइलें आप देखें, बहुत बहुत घातक, अग्नि 5 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है, 55.7 फीट इसमें, क्योंकि इसमें जाहिर है कई स्टेज में काम करने वाला इंजन लगा हुआ है लिहाजा इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल की, जो सबसे ज्यादा दूरी तक दुश्मन को ठिकाने लगा सकती है, वो है अग्नि 6 8000 से 12000 किलोमीटर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की दूरी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और यही है जो पूरे इस जगह को जहां से दुश्मन का खतरा महसूस हो सकता है वो जद में ले सकती है। कुल मिलाकर ये हमारी ताकत है और उधर आप देखें, उधर हमारे दुश्मन की दूरी तय करेगी कि हमको इस ताकत में से कौन सी चुनना है।